सबका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की खास खबर। महाराष्ट्र दिनी गढ़चिरौली में नक्सलियों का हमला। जहां पूरे राज्य में महाराष्ट्र दिन मनाया जा रहा है, उसी दरमियान गढ़चिरौली जिले में नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ महामार्ग पर 30 से भी अधिक वाहनों को जलाकर डांबर के प्लांट को आग के हवाले कर दिया। यह वारदात कुरखेड़ा तहसील के दादाकुल यह सुबह 3 बजे हुई। नक्सलियों ने रास्ते बनाने वाले ठेकेदारों को अगवा करने वाले बैनर भी लगाए। पुराड़ा मालेवाड़ा येरकर यहाँ राष्ट्रीय महामार्ग 136 का काम शुरू है। यह काम छत्तीसगढ़ के अमर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। इस कंपनी का दादापुर गांव के नजदीक डांबर प्लांट के साथ 2 ऑफिस भी है। देर रात 150 से अधिक नक्सलियों ने वहां पहुंचकर गाड़ियों के साथ प्लांट को भी आग के हवाले कर दिया। इस आग में 11 टिप्पर, डांबर बिछाने की मशीन, डीजल टैंकर, रोड रोलर के साथ 36 वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। इस घटना से परिसर में दहशत का माहौल बना हुआ है। वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला। पंढरपुर बड़ी राजा शेतकरी संगठना के जिलाध्यक्ष और वंचित बहुजन आघाड़ी के जिला संगठक, इन दोनों पर घर में घुसकर 4-5 लोगों ने मिलकर मंगलवार को जानलेवा हमला किया। इस हमले में माउली हड़वनर और नानाजी हड़वनर, ये 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इन जख्मी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में पंढरपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह वारदात सावकारी विवाद से हुई ऐसा सामने आया है। आर्टिगा की 3 मोटरबाइक को धड़क, 5 लोगों की मृत्यु। स्पीड में चल रहे आर्टिगा गाड़ी पर का ताबा छूटने से 3 मोटरबाइक से धड़क, जहां 5 लोगों की जगह पर ही मृत्यु हो गई है। यह वारदात पिंपरी चाकन के एरिया में मंगलवार रात हुई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।